सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अनब्रेकेबल मूवी एक पार्ट है मूवी सीरीज की, जिसको डायरेक्ट किया है एम नाइट शामलन ने। यह पहली पार्ट है इस ट्रायलॉजी सीरीज में। दूसरी पार्ट है स्प्लिट मूवी, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में, और इस मूवी का रिव्यू भी नेक्स्ट है। और तीसरी मूवी होगी ग्लास, जो कि रिलीज होगी जनवरी 2019 में, जिसमें इन तीनों मूवी के कैरेक्टर्स साथ में आएंगे। मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी इंग्लिश, हिंदी और तमिल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तेलुगु लैंग्वेज के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, बट अगर आप कंफर्म है कि ये मूवी तेलुगु में भी अवेलेबल है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करके हमारे फेलो मूवी लवर्स को ये जानकारी दे सके। इन सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है एम नाइट शामलन ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम नाइट शामलन इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इनकी कोई भी मूवी मिस नहीं करता, क्योंकि इनकी हर एक मूवी की स्टोरी अलग होती है, अलग थ्रिल होता है, इसलिए मैं इनकी कोई भी मूवी मिस नहीं करता। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी है ब्रूस विलिस की, जिन्होंने मूवी में डेविड डन का काम किया है, और सैमुअल एल जैक्सन की, जिन्होंने एलिजा प्राइस का रोल किया है मूवी में। डेविड डन एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, और ट्रेन में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मारे जाते हैं, और सरप्राइजिंगली डेविड को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि इनको एक खरोच तक नहीं आती। स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये बहुत ही शॉक्ड है इस इंसिडेंट से कि तभी एलिजा प्राइस, जिसका किरदार निभाया है सैमुअल एल जैक्सन ने, वो इनसे कांटेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे चीजें इनको बताते हैं जिसपे तो पहले डेविड को यकीन नहीं होता, और उनको लगता है कि एलिजा कोई पागल है और डेविड उनको अवॉइड कर देते हैं। मगर धीरे धीरे डेविड डन को खुद के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं, जिससे कि वो खुद चौंक जाते हैं। अब ये खुद की इन नई चीजों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, यही स्टोरी है मूवी की। ये मूवी 70% ड्रामा है और 30% मिस्ट्री, मगर ये मूवी कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती, क्योंकि जैसे ही मूवी आगे चलती जाती है, नए नए इंसिडेंट से मूवी आपका इंटरेस्ट बनाते रहती है। मूवी शुरू होती है एलिजा प्रिंस, यानी कि सैमुअल एल जैक्सन के जन्म से, जहां पर उनकी माँ को ये पता चलता है कि सैमुअल जैक्सन को किसी तरह की बीमारी है, जिससे कि उनकी बॉडी इतना भी प्रोटीन नहीं बना पा रही जिससे कि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें, जिसकी वजह से इनकी हड्डियाँ हमेशा टूटते रहती हैं। एलिजा का इससे ध्यान बटाने के लिए उनकी माँ उनके लिए कॉमिक्स एक्सेट्रा खरीद कर लाकर देती रहती है। तो कॉमिक्स की स्टोरी पढ़ पढ़ कर ही सैमुअल एल जैक्सन यानी कि एलिजा बड़े होते हैं, और कॉमिक की स्टोरी से वो काफी इंस्पायर्ड भी हुए हैं, और अब वो ये सोचने लगते हैं कि अगर वो इतने कमजोर व्यक्ति हैं कि उनकी हड्डियां टूटती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसा इंसान भी जरूर होना चाहिए जो इनसे कई गुना ज्यादा मजबूत भी हो। मगर एलिजिया ऐसे इंसान को ढूंढेंगे कैसे? तभी इन्हें पता चलता है ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, और ट्रेन एक्सीडेंट में बचे सिर्फ एक शख्स के बारे में, जिसका नाम है डेविड डन, यानी कि ब्रूस विलिस। अब यहीं पर एलिजा इनसे इंस्पायर्ड होकर डेविड के लाइफ के बारे में हर एक छोटी चीज जानने की कोशिश करते हैं। मूवी की स्टोरी ऑफकोर्स हटकर है, काफी बार कॉमिक्स की कहानी से मिलती जुलती भी है, इसलिए कॉमिक्स के बारे में काफी कुछ बताया भी गया है। मूवी सिर्फ डेविड नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करती है, जिससे मूवी एक ही स्टोरी से आपको बोर नहीं करती। इनफैक्ट आप नए नए फैक्ट से मूवी में सरप्राइज होते रहते हैं। पूरी मूवी की एंटायर थीम म्यूजिक भी काफी स्लो है, जो कहीं ना कहीं आपको एक हॉरर टाइप मूवी की फीलिंग देती है। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि एम नाइट शयमालन की जितनी भी मूवीज है, उन सभी मूवीज की थीम म्यूजिक काफी स्लो और हॉरिफाइंग होती है। इस मूवी में कई सारे सीन्स हैं जो कि आपके दिमाग में घुस जाते हैं, जैसे कि सैमुअल एल जैक्सन का एक सीन है जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, और आपको ऐसा कंफर्म हो जाता है कि बॉस ये बंदा तो गिरने वाला है। अब आप ये भी जानते हैं कि इनकी हड्डियां कमजोर है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बंदा गिरा ना तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। आई मीन लाइक आई वाज सो मच डीप इनटू द मूवी कि मुझे ऐसा लगा यार ये नहीं गिरना चाहिए, यार प्लीज प्लीज डोंट फॉल और एल्स मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। आई वाज सो मच इनटू द मूवी, आई मीन इस लेवल पर ये मूवी ने मुझे इंटरेस्ट किया है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई एम नाइट शयमालन इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको लगता है कि मूवी का सारा सस्पेंस खुल गया है, तभी आपको कुछ नया पता चल जाता है और आप सरप्राइज हो जाते हैं, एंड दिस थिंग इज मेंटेन्ड टिल द एंड ऑफ द मूवी। आई मीन मूवी के स्टार्ट से लेकर मूवी के एंड तक जो चीजें सेंस नहीं बना रही थी, वो चीजें भी मूवी के एंड के बाद में आपको समझ में आ जाती है। सैमुअल जैक्सन और ब्रूस विलिस ने कमाल की एक्टिंग की है इस मूवी में। इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात इसकी स्टोरी थी। आई मीन लाइक एक्टिंग तो थी, डायरेक्शन तो थी,
मगर इस मूवी की स्टोरी ने इसे जबरदस्त मूवी बनाई है। ओवरऑल 1 घंटा 45 मिनट की यह मूवी न सिर्फ आपको एंटरटेन करती है बल्कि सरप्राइज पे सरप्राइज करते रहती है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 out of 10। इस मूवी का आगे का पार्ट यानी कि स्प्लिट भी मैंने रिव्यू कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस मूवी का रिव्यू देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहां पर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। You all have a very great day.